उफ तौबा मम्मी, थक गई हूँ आज मैं। मैंने भाभी से कहने लिए कप चाय तो बनाए। हाँ तुम बैठो आराम से। राबिया, खदीजा के लिए चाय का कप लाओ जल्दी से, थकी हुई आई है वो। और सुनाओ पार्टी कैसी रही? मम्मी जवेरिया भी आई हुई थी पार्टी में। मैं तो जवेरिया को देख के कह रही थी, जवेरिया तुम्हारे 3 बच्चे हो गए, लगता ही नहीं है कि हम दोनों क्लास फेलोज थे। मैं अभी भी अनमैरिड सिंगल और तुम देखो 3 बच्चों की अम्मा बन गई हो। थैंक यू भाभी, बहुत थक गई थी आज। तो भाभी जवेरिया के 3 बच्चों की ड्रेसिंग इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा भाभी को भी बताऊंगी, वहीं से ही कपड़े लिया करें जहाँ से जवेरिया लेती है। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू खदीजा, तुमने उससे स्पेशली पूछा। वो जब जवेरिया किचन में गई तो मैंने उसके एक बच्चे का पास बुला के पीछे से कपड़ों पर जो टैग लगा होता है वो देख लिया, पता चल ही जाता है कि कौन से ब्रांड का पहनाया हुआ कपड़ा। बल्कि भाभी मैंने तो जवेरिया की जूती का भी पता लगा लिया, इतनी प्यारी जूती थी अम्मी। मैंने कहा अगर मैंने इससे पूछा कौन से ब्रांड की जूती है तो चोखी सी मच्छर जाती। मैंने फिर इसको जान के कहा कि चलो खाना खाने से पहले नमाज पढ़ ले, तो फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैंने फौरन उसकी जूती देखी और मुझे पता चल गया कि उसने जूती पहनी हुई थी। लेकिन मेरी बेइज्जती भी हो गई वहाँ पे, जवेरिया के बच्चे पता नहीं कौन से स्कूल जाते हैं, फर 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 इंग्लिश बोलते हैं। मैंने एक बच्चा मेरे पास आया, हाथ में चॉकलेटें पकड़ी हुई उसने, तो पता नहीं अम्मी इंग्लिश में ऐसे अजीब एक्सेंट में मुझे कुछ कह रहा, तो मैंने कहा चॉकलेट ही देना चाह रहा होगा, पूछ रहा होगा कि चॉकलेट खानी है। मैंने इसको कह दिया यस यस, तो उसकी अम्मा पीछे से कहती है क्यों झूठ बोल रही हो। मैंने कहा क्या, तो जवेरिया कहती वो मेरा बच्चा पूछ रहा डू यू हैव किड्स। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बस मैं हंसती रही और ऐसे ही मैंने हंस हंस के कवर कर लिया। चलो राबिया बेटा, आप आलू गोश्त चढ़ाओ जाके। बेस्तियां सुनने का कितना शौक है। फिर क्या हुआ, बस मेरी बेटी की बेस्तियां सुनाई जाए हर कोई इसको। ओ आहिस्ता, सारा गुस्सा बर्तनों पे निकालना है, छोड़ो रहने दो इसको। बताओ पार्टी में और कौन कौन आया हुआ था? मैं गुलेराना भी आई हुई थी, बच्चे तो उसके भी बहुत प्यारे थे, लेकिन उसने तो खुद ही बेइज्जती करा ली अपनी, बच्चों को ऐसे इंग्लिश में डांटी जाए, सिट हियर गो वॉश योर हैंड्स, ऐसे इंग्लिश में बात करे और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही थी, साफ पता चल रहा था हमारे सामने। जवेरियों के बच्चों को देख के ना ज़रा कॉम्प्लेक्स में आ रही थी, तो बच्चों को ऐसे इंग्लिश में बात करे और उसके बच्चे वो कहती पुट योर प्लेट हियर ऑन द टेबल, ऐसे करके इंग्लिश में बोली, तो उसका बेटा कहता क्या, इतनी बेइज्जती हुई। अच्छा एक मिनट जरा किचन में ही आ जाओ, उधर ही देखो क्या गंद घोल रही है। हाँ सच अम्मी, हमने नाइमा का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत तंग किया हमने नाइमा को। हमने उसे कहा तुम ठटेकू की रहने वाली हो, तुम फलानी जगह की रहने वाली हो, तुम तो हो ही पेंडू, ऐसे कर करके हमने उसको बहुत तंग किया। उसने ना अम्मी उसने अपने छोटे बेटे को स्वेटर बनाया हुआ था। मैंने कहा नाइमा मौसम जरा सा बदले। भाभी आपने भी इसको स्वेटर बनाया है? ए मलंग दासा दुनिया खेड़ तमाशा।